क्रिएटिव टीम हिप 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 हिप। ये बंगाल की नारी शक्ति है जिनका जोश और जज्बा देखते ही बन रहा है। ये साहस और ये शक्ति इन्हें कई यातनाओं और कष्टों के बाद मिली है। पूरा देश गवाह है कि कैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भयानक हिंसा हुई। टीएमसी का आतंक दिन ब दिन बढ़ता गया। दिन दहाड़े घर में घुसकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और टीएमसी जलते रोते बिलखते बंगाल को देखती रही। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। बंगाल के ऐसे ही पीड़ित परिवारों के लिए आईआईपी फाउंडेशन और प्रवासी भारतीयों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। जो भले ही सात समंदर पार रहते हों, लेकिन वे हमेशा अपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। प्रवासी भारतीय लगातार बंगाल में मदद पहुंचा रहे हैं, हिंसा पीड़ित परिवारों को दोबारा से इस लायक बना रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी चल सके। इसी कड़ी में 18 परिवार की महिलाओं को सिलाई मशीन बांटा गया है। हिंदू प्रवासी भारतीयों को ये महिलाएं किसी वरदान से कम नहीं मानती। जो हम लोग को बाहर बैठ के हम लोग को हेल्प कर रहे, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कई ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पति और बेटे तक को खो दिया है, जिनके पास जीने का कोई सहारा नहीं था, लेकिन अब उनको एक नई राह मिली है जिसके जरिए वो आगे बढ़ सकती हैं और अपने आप को संबल बना सकती हैं। प्रवासी भारतीयों और आईएपी फाउंडेशन ने बंगाल हिंसा में अपना सब कुछ गवा देने वाले कुछ परिवारों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा भी बांटा है। कहते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन असली सुकून, असली खुशी बेसहारों और जरूरतमंदों की मदद करके मिलती है। एक बार मदद के लिए हाथ बढ़ाकर तो देखिए, यकीन जानिए, जीवन सार्थक हो जाएगा।